मेकअप सही है अपनी गाड़ी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की दाद देनी पड़ेगी यार, कितनी तगड़ी चढ़ाई में भी सीएनजी पे चढ़ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हम लोग भाई हरिद्वार में, जैसा आप सभी को पता था डे 3 सीरीज है आज। और भाई अब जो है निकलने का टाइम आ गया है, कल ज़्यादा देर रुकने का मन नहीं था बट हमें स्टे करना पड़ गया फिलहाल यहाँ पे एक बार और गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग से निकाल ली है, बहुत ही अच्छी पार्किंग थी नो डाउट। चलो भाई गाड़ी इसमें निकल गई और चलते हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बढ़िया गाड़ी में बैठते हैं, चला जाए पार्किंग से निकलवा दिया जाए, देखा जाए भाई कितना चार्ज बना है, बिकॉज अपनी गाड़ी करीब करीब 32 या 36 घंटे यहाँ पे खड़ी गई है, काफ़ी अच्छा खासा चार्ज बना होगा भाई इस कार्ड की उससे ये। तो अभी देखते हैं भाई कितना क्या है, हालांकि मज़ा आई हरिद्वार पे बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले काम है सीएनजी भराना, देखते हैं भाई मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, अपन पेट्रोल पे भी चला सकते हैं भाई, ऐसा नहीं पेट्रोल भी चलाओ क्योंकि देख ली जाएगी भाई सीएनजी की अवेलेबिलिटी बस होनी चाहिए। चलो तो भाई देखते हैं पार्किंग का क्या चार्ज हुआ है। जी 450 ना भाई, 36 घंटे मैंने बताया था, 38 घंटे भाई 450 रुपए की पार्किंग हुई अपनी यहाँ पे, परसों की रात आए थे और अभी आज निकल रहे हैं, तो मतलब 8 घंटे की पार्किंग के आपको देने हैं करीब करीब 90 रुपए और तक आए। बाकी पार्किंग बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गई सच में। चलो भाई 96 रुपये सीएनजी है यहाँ पे, हाय राम भाई हरिद्वार में सीएनजी बहुत महंगी है बताओ। फिर भी क्या है, 1 पॉइंट बची है, 655 चली गई। तो भाई गैस आई है करीब करीब 7.86 और 755 रुपए की गैस भरी है इसमें हरिद्वार। सीएनजी पूरी पूरी भाई फुल हो गई है जो आप देख रहे हैं, पहली बार भाई पूरी अपनी रोड ट्रिप में कोई ऐसा स्टेशन मिला है जिसमें प्रेशर काफी बढ़िया रहा। अब भाई जी फुल टेस्टिंग होगी क्योंकि अब जो है मेनली मसूरी वाले रूट पे चल रहे हैं, तो भाई हवा हवा भरवा ली जाए चारों पहियों में, और एक पहिए में भाई अभी भी डाउट है क्योंकि उसकी हवा धीरे धीरे से निकल रही है, तो चारों पहियों में चेक करा लेते हैं भाई बहुत बढ़िया से, फिर चलते हैं आज और ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, पूरा जो है हिल्स पे भी ड्राइव हम लोग करते हैं। चलो यही वाला जो टायर था ना काफ़ी ज़्यादा डाउट कर रहा था, बहुत हल्का महीन है इसमें। देहरादून पहुंचने के लिए पहला टूल पड़ा है जो आप देख रहे हैं और गाड़ी चली है 692, करीब 42 किलोमीटर चला है अभी तक और सीएनजी के 6 पॉइंट्स लग गए। चलो भाई टोल अपना काम कर गया और चलो भाई देहरादून पहुंचने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं बचा है इनफैक्ट, और ब्यूटीफुल वेव्स आना शुरू बढ़िया से पहाड़ आने शुरू, हिल्स पे ड्राइविंग शुरू अर्टिगा के साथ, 5 पॉइंट लेफ्ट है केवल, 700 चला दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड से भाई। पहुंच गए ये है सहस्त्रधारा, वाव बहुत सुंदर है यार।
बहुत। तो गाइस सहजधारा से निकल चुके हैं और करंटली भाई बहुत ही मतलब जो है स्टीप स्लोप है भाई, जो आप देख सकते हैं कहीं डाउन कहीं अप, भाई बहुत ही बढ़िया रोड है। और यहाँ पे बीच में अपने को हेलीकॉप्टर देखने को मिल गया। चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हिल है, पहाड़ों पे भाई गैस ज्यादा लगती है। फुल एसी पे हम लोग चला रहे हैं गाड़ी और कुछ ऐसा भाई कर दिया यार। क्या चीज मिरर अब एडजस्ट होगा कर दिया वही कर दो। पागल खड़े हैं देखो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी है। भाई हिल्स पे जब चला रहे थे तो सीएनजी में कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम तो आती है, तो हमने अभी पेट्रोल पे स्विच कर दिया है। तो मिक्स ड्राइविंग पे चला रहे हैं। और एक चीज बता दो, जब आप हाई आरपीएम पे गाड़ी खींचते हैं तो पॉइंट ज्यादा अच्छे कर रहे थे सीएनजी, मतलब सीएनजी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, तो इससे अच्छा पेट्रोल पे भी चला सकते हो। पहाड़ों पे पेट्रोल भराने आए हैं, यहाँ पे भी 96 रुपए रेट है, 96.90। एक अच्छी बात है भाई, सीएनजी और पेट्रोल का रेट उत्तराखंड में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। काफी सुंदर स्टेशन है, बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं और ये पहाड़ों का लुक और ये अपनी अर्टिगा जो आप देख रहे हैं। भाई हमने 1500 का पेट्रोल भी भरा लिया है और हाफ से ज्यादा पॉइंट्स आ गए हैं पेट्रोल पे। गाड़ी अभी भी सीएनजी पे कन्वर्ट है, पेट्रोल पे चलाना है, पेट्रोल पे। वैसे देखा जाए भाई पेट्रोल सीएनजी पहाड़ों पे बराबर ही है, 96 रुपए। तो भाई जब 96 में पेट्रोल है, 96 में सीएनजी है, पहाड़ों में आपकी सीएनजी एवरेज भी नहीं देती, तो कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है सीएनजी में ड्राइव करने का, सच में बताऊं तो। बाकी भाई पेट्रोल पे थोड़ा सा सच में पिकअप फर्क है। तो ये बनी है मल्टी लेवल कार पार्किंग, भाई आ गए हम लोग मसूरी, होम स्टे भी ले लिया है और ये गाड़ी लगी है अपनी पार्किंग में। भाई काफ़ी बढ़िया पार्किंग बनी रखी है, होटल से व्यू दिखाते हैं आपको। गाइस ये है मॉल रोड जो आप देख रहे हैं, खाना बहुत ही सुंदर, बहुत ही। मॉल रोड में काफी मजा है भाई, इतनी सारी शॉप्स हैं, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे घूमने पे। बाकी हम लोगों ने काफ़ी अभी इंजॉय कर लिया है, लेकिन अभी और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज शॉप्स काफ़ी अच्छी हैं। गाइज मॉल रोड घूम लिया और खाना भी खा लिया, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कैफे था और बढ़िया हो गया अपना डिनर। तो चलते हैं भाई मसूरी, मॉल रोड तो आज घूम ली, कल है day 4, कल और बढ़िया बढ़िया घूमेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगी कल। और उसके बाद भाई मन हुआ तो अब घर की ओर, भाई थकान हो जाती है हिल्स पे आप जब, मज़ा तो है लेकिन थकान भी। चलते हैं वापस होटल,
ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गाड़ी पार्किंग पे लगी हुई है, किलोमीटर्स अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा। चलो भाई, बाय बाय।